सभी साथियों को नमस्कार, जय सियाराम। साथियों, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव हुए हैं, मोदी जी के नाम पे सभी ने वोट लिए, मोदी जी ने काम भी कर रखा है, ऐसी बात नहीं है, तो वोट भी मिले और दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई। उसी प्रकार से अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जैसे कि बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, कुछ बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन अब की बार क्या है जी, अब की बार एक व्यक्तिगत पर्सन, एक कैंडिडेट को वोट दिया जा रहा है, जो धरातल पे जिसने काम किया है उसको वोट मिल रहा है। अब यहाँ की हम हमारे ही गांव सुहासड़ा में आए हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पशु अस्पताल, हमारे गांव सुहासड़ा का पशु अस्पताल है, जो अपनी दुख भरी कहानी बयां कर रहा है। ये देखिए आप, इस हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है, कैमरामैन को बोलूंगा एक बार दिखाना जी अच्छे से। ये हॉस्पिटल का मेन गेट है जी, थोड़ा पीछे होकर अच्छे से दिखाओ जी। ये हॉस्पिटल का मेन गेट है, प्रवेश द्वार। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ये देखिए आते ही यह इम्प्रेशन होता है हमारे गांव के पशु हॉस्पिटल का। और मैं धीरे धीरे आपको ये पूरा हॉस्पिटल दिखाने का अच्छे से प्रयास करूंगा। उधर से दिखाएं जी, ये इसकी चार दीवारी है जी, ये देखो आप, इधर से लेके आओ जी, ये चार दीवारी देखो, बिल्कुल खुला वातावरण है, कहीं से भी पशु आए जाए, कोई भी आ सकता है जा सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि चार दीवारी ही नहीं है। रोक टोक तो तब होगी ना, कुछ जुगाड़ होगा रुकने का। देखिए आप, ये दिखाइए जी, यहाँ से हो गया, आइए अब देखो पशु हॉस्पिटल की जो पीछे की दीवार है, ये जो चार दीवारी है, यहाँ पे कुछ 1500 सीट लगी होंगी, काफी साल पुरानी, चार दीवारी जो है वो है ही नहीं। हम आपको वीडियो में अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये नहीं कि काम हो नहीं रही, हमारे गांव में फिरनी बन रही है, जो गांव की जो फिरनी है वो ही बन रही है। हम आपको जो काम हो रहे हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, दोनों दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो एक फिरनी के गंदा नाड़ा जो निकल रहा है पानी का, वो उसका भी काम चल रहा है, हम आपको काम भी दिखाएंगे। और जो इस गवर्नमेंट ने अनदेखी की है काम की, हम वो भी आपको दिखाने का अच्छे से प्रयास करेंगे। आइए जी, पहले हम आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो चार दीवारी है अच्छे से वो दिखाने का प्रयास करेंगे। हेलो, हाँ जी, देखिए आप, ये हमारे गांव सुहासड़ा का पशु अस्पताल, ये देखिए, ये जो इधर को है, ये गंदे नाले का काम चल रहा है, ये पशु हॉस्पिटल की देखिए कॉर्नर की दीवार है, यहां से लेके आखिर तक वो जो सामने पानी की टंकी है, देखिए कॉर्नर में, वहां तक कोई भी दीवार नहीं है। ये यहाँ पे साथ साथ जो फिरनी है वो आपको बार बार बता रहे हैं, वो तो देखिए उधर से, ये बीच में काम रुका हुआ था, यहां से इसको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। फिर हम दोबारा से आपको पशु हॉस्पिटल का जो दृश्य है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए आप, मैंने आपको उधर से दिखाया था, ये पानी की टंकी है, ये हॉस्पिटल के जो कॉर्नर है, जो बिल्कुल कोने में, ये दो चार पांच दस सीट यहाँ पे लगी हुई है। और ये इसके साथ में देखिए आप, मैं दोबारा से आपको एक बार अच्छे से, ये चार दीवारी का तो नाम निशान ही नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो साइड में है, ये फिरनी बन रही है, बार बार आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आप, ये दीवार, ये देखिए आप, मैं आपको पूरी जो इसकी बाउंड्री है हॉस्पिटल की वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छे से घूम के आपको इसका हाल बता रहा हूं कि ये हमारे गांव सुहासड़ा का पशु अस्पताल है। देखिए आप, ये देखिए,
ये देखिए दीवार, बार बार मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे गांव 5 से 6 हज़ार वोटों का हमारा गांव है। वोटों के टाइम पे हमारे गांव की बहुत याद आती है, सभी जो कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। सरकार से हमने आपको दिखाया हमारे गांव का पशु हॉस्पिटल, तो सरकार के जो चुनिंदा लोग हैं, जो सरकार के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं या जो वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हैं, वो वोटों के टाइम पे तो उनको बहुत अच्छा गांव सुहासरा बहुत प्यारा गांव लगता है, लेकिन काम के टाइम पे ये बिल्कुल गलत है। और ये हम सरकार से गुजारिश तो मैं इसको नहीं कहूँगा, हम अपना हक मांग रहे हैं, ये किसी एक का पर्सनल काम नहीं है, पूरे गांव राम का काम है, तो ये काम अच्छे से होना चाहिए। और जब वोट लेने आते हैं तो गांव राम को भी ये बताना चाहिए कि भाई हमारे गांव का हॉस्पिटल है तो बिल्कुल उसमें जीरो लेवल की सुविधा हो रखी है। वो देखिए, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक बाउंड्री जो इसकी चार दीवारी है और इसका अंदर का जो हाल है वो दिखाने का प्रयास किया। रही बात दूसरी, कहीं आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो इस वीडियो बनाकर किसी गवर्नमेंट या जैसे बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट का किसी का अलग से मैं चेहता हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया वो काम भी दिखाऊंगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, गंदे नाले का जो काम स्टार्ट हो रहा है वो अच्छी बात है। जो फिरनी हमारे गांव की सबसे पुरानी समस्या थी, मांग थी, वो भी बन रही है, वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आपसे प्रार्थना है कि जब भी यहाँ पर हमारे गांव में कोई वोट के लिए आता है तो हमारे गांव की समस्या उनके आगे लेके आए, ये किसी का पर्सनल काम नहीं है, पूरे गांव का काम है। आइए फिरनी की तरफ चलो। ये साथियों देखिए आप, ये जो फिरनी की मैं आपको जिक्र कर रहा था, ये इधर से ये फिरनी आ रही है और ये यहाँ पे यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है गंदे नाले का। और ये जो आगे की तरफ जेसीबी दिख रही है आपको, ये फिरनी का काम हो रहा है, ये बहुत सराहनीय काम है। तो आगे की तरफ हम आपको फिरनी की तरफ ले चलते हैं, आइए चलते हैं। ये देखिए आप, आगे की तरफ रास्ता है, फिरनी की तरफ जा रहा है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। जो काम सराहनीय है उसकी सराहना की जाएगी। जिस प्रकार से ये फिरनी का काम हुआ है, ये एक सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से हमारे गांव की, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये देखिए आप, ये बिल्कुल सीधी जो पीपल, सामने जो पीपल का वृक्ष दिख रहा है आपको, उसके साथ से ये फिरनी का कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ का दृश्य देखिए आप। अब हम आपको जो अंडरपास है हमारे गांव का, जिसकी बहुत ही पुरानी मांग थी गांव की, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरी की है, तो हम आपको वो अंडरपास भी दिखाने का प्रयास करेंगे, वहां पे चलेंगे, कार्य कितना हो गया है वो भी हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, आइए चलते हैं। तो साथियों, अब हम आपको ले आए हैं अंडरपास, जो हमारे गांव की सबसे पुरानी मांग थी। और इस मांग को उठाने के लिए सबसे पहले स्वर्गीय श्री रामपाल जी शेखावत जी, उन्होंने बहुत कठित प्रयास किए और पूरे गांव राम ने उनकी मदद की, लेकिन उनका प्रयास ये जाके अब सफल हुआ है। तो बीजेपी गवर्नमेंट में काम हुआ है, हम इस काम की सराहना करते हैं। मैंने बार बार आपको बताया है कि व्यक्ति विशेष के बारे में हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, जो काम किया है उसके बारे में हम बोलेंगे, जो काम हो रहा है उसके बारे में बोलेंगे, जो काम पेंडिंग है, जो काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमने आपको पशु हॉस्पिटल दिखाया, बहुत दुख भरी कहानी उस हॉस्पिटल की, लेकिन यहाँ पे सुकून मिल रहा है। ये देखिए, उधर मेरा गाँव सुहासरा है, गाँव इधर भी है। कैमरामैन एक बार दिखाना जी। ज्यादातर गाँव के लोगों के खेत इस साइड लगते हैं, तो ये बहुत ही हमारे गांव की पुरानी मांग थी, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये मांग पूरी हुई है। ये देखिए आप, ये अंडरपास
इधर नंगला साइड को रास्ता जाएगा। और साथ साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, कैमरामैन एक बार उधर करियो जी, ये इधर देखो सतनाली महेंद्रगढ़, ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाती है ये रेलवे लाइन। और इस साइड ये देखिए आप, ये मेरे गांव सोहासरा, लोहारू, राजगढ़ और जोधपुर साइड को ये रास्ता जाता है। इस साइड से जो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, दिखाइए जी, ये देखिए अच्छे से काम चल रहा है। ये अंडरपास का अच्छे से कार्य चल रहा है, ये गांव के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। देखिए उधर को बिल्कुल सीधा नंगला की साइड रास्ता जाएगा। हमारे गांव के ज्यादातर लोगों के खेत इस साइड हैं, ये बहुत बहुत बड़ी समस्या थी गांव के लिए, जो कि ये पूरी हो ही गई है, कुछ ही समय की बात है। ये देखिए आप, मैं बार बार आपको अच्छे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, जिस प्रकार से हमने आपको बताया, हमारे गांव का गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमने आपको दिखाया, उसकी हालत आपने देखी होगी, तो वहां पे बिल्कुल वो काम नहीं चल रहा है। गांव का हॉस्पिटल की बहुत बुरी दुर्दशा है, लेकिन जो अंडरपास का जो काम चल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय काम है, जो मैंने आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काम नहीं हो रहे हम उनको भी बता रहे हैं, जो काम हो रहे हैं हम उनकी व्याख्यान कर रहे हैं। तो आगे भी कुछ गांव की समस्याएं लेकर हम आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।